तो गाइस हम घर आ चुके हैं गाइस। हम पूरे जितने प्लान कलेक्ट किए थे वो सब हम अपने घर लेके आ गए हैं। अब देखो तो गाइस अभी हम इस झोला से पूरा प्लान को हम इसमें निकालेंगे इस बकेट में। और अब देखो एक घंटे से गाइस ये बिना वाटर कर रहा है गाइस। ये सब वाटर प्लांट है तो गाइस आप देख सकते हो कैसे मुरझा उरझा गए हैं। ये देखो गैस क्योंकि हम ला रहे थे तो गैस हमें आने में बहुत टाइम लगा इसलिए गैस अब ऐसे हो चुका है। तो गैस हम तेज धूप में के सामने रखे हैं इसको और इसमें हम अभी वाटर ऐड करते हैं। तो गैस यहाँ वाटर ऐड हो चुका है पूरे इस बकेट में। और गैस मेरी बहुत प्लान डेथ हो चुके हैं गाइस। आप दिखा सकते हो गाइस ये देखो गाइस कैसे हो चुके गाइस। बहुत से प्लान का डेथ हो गया गाइस। तो अभी इसको एक्टिव करने के लिए गाइस हमें सब प्लान को एक दिन ऐसे सनसाइड में रखना पड़ेगा गाइस तब जाके एक्टिव होगा गाइस। बहुत से प्लान और देखो गाइस कैसे गंदगी हो चुकी है और इसका बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए हम इसमें कुछ मेडिसिन डालेंगे गाइस इसका फंगी आगे निकालने के लिए गाइस। ठीक है और गाइस इसे सबको हम प्लांट का नेम बताने वाले हैं जल्द। और गाइस हमको पता है गाइस हम इसको कहाँ से कनेक्ट किए गाइस। आप भी ऐसे फील्ड में कनेक्ट कर सकते हो तो आपको गाइस पता नहीं है तो गाइस हमारे जाके पुराने वीडियो देखो गाइस हम कहाँ से कनेक्ट किए हैं। आप भी ऐसे कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है तो हम गाइस दवा ला चुके हैं लिक्विड हमारे पास एक दो बूंद डाल रहे हैं और जितना भी बैक्टीरिया एंड गंदगी होगी गाइस इससे सब मर जाएगी गाइस। हम उसको अच्छे से रैप कर देते हैं पूरे वाटर भर में। ठीक है और गाइस अभी मेरे कुछ ही जो है प्लांट एक्टिव हुए हैं आप देख सकते हो आधा हो चुके हैं। और गाइस हमको एक दिन पूरा ऐसे ही रखना पड़ेगा गाइस तब जाके अच्छे तरीके से एक्टिव होंगे। तो दोस्तों यह है प्राइनोक्लियर एक यह स्पीस 100 से स्पीस बनता है और इसको ग्रोथ करने के लिए गाइस अब एक्वेरियम सॉइल एंड नॉर्मल सॉइल इसमें कुछ कुछ फ्लावर्स भी ग्रोथ होते हैं आप देखो और इसे आप नॉर्मल भी ग्रोथ कर सकते हो एंड इसके रूट देखिए। नेक्स्ट है गाइस वाटर हेटियस और इसमें दोस्त इसमें से एक पर्पल से कलर इसमें से एक फ्लावर भी निकलता है जो कि पर्पल कलर का होता है और बहुत प्यारा भी लगता है और बहुत जल्दी ये प्लांट ग्रो भी हो जाता है और इसे अंडर वाटर ग्रोथ नहीं कर सकते गाइस। यह अंडर वाटर ग्रोथ नहीं हो पाता है इसे आप अंडर वाटर ग्रोथ नहीं कर सकते गाइस क्योंकि यह अंडर वाटर ग्रोथ नहीं हो पाता और इसको बिना सॉइल के भी आप ग्रो कर सकते हैं वाटर के अंदर। और इसके गाइस रूट जो है आप देख सको गाइस अब इसके रूट से अब गाइस आपको फिश को हेडम ज़्यादा हेडिंग प्लेस मिल जाता है आप देख सकते हो अंडर वाटर इसका रूट क्या ही दिखते हैं। थर्ड में है गाइस वाटर लिथियस इसको वाटर कैबेज के नाम से भी जाना जाता है प्यारा वाटर प्लांट है गाइस आप देख सकते हो और यह गुच्छे में ग्रो होते हैं गाइस देख सकते हो इसके साथ ये भी रूट के साथ जॉइंट होकर ग्रोथ हुए हैं और गाइस इसके रूट भी देख सकते हो इसका भी गाइस रूट बहुत ज़्यादा रहता है गाइस इससे भी फिश को बहुत हेडिंग मिलती है और गाइस इसके रूट से गाइस जो एग देने वाली फिश होती है इसमें बहुत जल्दी देती है इसके रूट को आप दे सकते हो। अभी गैस इसे एक डिसवांटेज भी है क्योंकि गैस हम इसको बिना सनसेट जगह में नहीं सकते गैस क्योंकि इस प्लांट को बहुत सन की जरूरत रहती है गैस। अब बिना सन में रखोगे तो गैस आपको ऐसे हो जाएगा आपको प्लांट जल्दी मर जाएगा और इसका ग्रोथ बंद हो जाएगा। इसमें है गैस ये लैमिनर माइनर इसको डगवेट भी बोलते हैं और ये गैस हर जगह उपलब्ध नहीं होता गैस बहुत मार्केट में भी कम दिखता है गाइस हमें इसको कैसे ने कैसे करके मिला है हमको भी गाइस। और गाइस यह
फिश लोग को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं गाइस। इससे अगर इसको बस छोटी फिश में रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड गोल्ड फिश में रखोगे तो गोल्ड फिश को खा सकते हैं। अगर ये पाउंड को चंद पाउंड को गाइस पूरा चंदार भर देता है गाइस, इससे गाइस पाउंड का ही दिखते हैं। आप देख सकते हो गाइस मेरे इस पाउंड में भी गाइस पूरा वाटर प्लांट रखे हैं, उसमें कितने लेमन माइनर है। और गाइस इससे हमारा पाउंड कितना ही अच्छा दिख रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बताइए गाइस प्लीज। और आपको सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2023 का वेलकम। सब गाइस हैप्पी न्यू ईयर कैसे बनाए प्लीज कमेंट बताइए। और कहाँ कहाँ घूमने गए